A very good morning, everyone. Myself, Suryavanshi Ulhas from UNESCO Public School, Aura Sahajini. I welcome you all, the respective parents of our students and all dear students. From today onwards, we are going to start our 8th standard syllabus. Due to pandemic of COVID-19, all the videos of science subject will be uploaded on YouTube account of our school. So you must be watch and complete your daily homework and your classwork. So in this session, first we introduce our syllabus, after we start our first chapter. तो आज का ये जो सेशन रहेगा, इस सेशन में हम फर्स्ट अपने सिलेबस का क्या है इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है फर्स्ट चैप्टर को क्या करना है स्टार्ट करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर या यूनिट चैप्टर, यू मस्ट बी डिस्कस अबाउट दी सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो स्टार्ट. सो दिस इज द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस इज अ वे ऑफ नोइंग. It is the process of gaining the knowledge and understanding beautiful world. It is not enough for students to read only science, but they must do science. So let's start today's session with the introduction of our syllabus. So there are totally 6 units for your syllabus. आपके syllabus के लिए क्या लो तो 6 यूनिट रहेंगे. सो ईच यूनिट हैविंग द डिफरेंट चैप्टर. अंडरस्टैंड? देयर आर टोटली 18 चैप्टर्स. सो 18 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू द 6 यूनिट. आपके सिलेबस के लिए जो 18 चैप्टर है, उन 18 चैप्टर को 6 यूनिट में क्या हो तो डिवाइड किए. सो अंडरस्टैंड? नाउ सी द फर्स्ट यूनिट इज अ फूड. सो फूड रिलेटेड चैप्टर आर इन्वॉल्व इन द यूनिट फर्स्ट. देयर आर 2 चैप्टर्स इन द first unit. Second unit having the 4 chapter. Third unit 4 chapter. Now next, sorry, fourth unit 3rd chapter. Fifth unit में आपको रहेंगे 4 chapter. और आपका जो last unit रहेगा 6th unit में आपको रहेगा 1 ही chapter. So there are totally 6 unit consist of 18 chapter. Understand? And 18 chapter are divided into the 2 parts. So 9 chapters for your half yearly examination. तो 9 chapter आपके क्या है half yearly examination के लिए रहेंगे, और remaining 9 chapter for annual examination. Understand? So remaining 9 chapters are for annual examination. Understand? Total 18 chapter रहेंगे. 18 chapter में से 9 chapter जो आपको है वो half yearly के रहेंगे, और remaining 9 जो chapter है वो क्या है आपको एनुअल समझने के लिए रहेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ सी आपका जो एनुअल एग्जाम के लिए जो पेपर रहेगा, नाउ सी योर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 100 मार्क का रहेगा. सो योर हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स. सो आउट ऑफ 180 मार्क्स फॉर योर थ्योरी. तो इसमें क्या है आपको 80 मार्क्स का क्या रहेगा थ्योरी रहेगा, एंड 20 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल्स. अंडरस्टैंड? रिमेनिंग आपको जो 20 मार्क्स रहेंगे वो क्या रहेंगे प्रैक्टिकल्स के मार्क रहेंगे. अंडरस्टैंड? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सिलेबस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस फर्स्ट सेशन विथ द फर्स्ट चैप्टर. तो आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन में हम क्या बोलते फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेंगे. द फर्स्ट चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज crop production and the management. The first chapter for your syllabus is crop production and the management. Now see, the first one chapter is crop production and management. This is the first chapter for your syllabus. आपके syllabus के लिए क्या है first chapter रहेगा. So before starting first chapter, we discuss about the some basic term related to this chapter. Chapter start करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है
इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है। नौ से क्यों से सो पीपल स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट वी डिस्कस अबाउट दी सो विच कंसेप्ट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। बेसिक टर्म स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में हम कौन से कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नौ से द फर्स्ट वन इज क्रॉप प्लांट्स। नौ से द फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो है क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट वन कंसेप्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नंबर थर्ड रहेगा सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स। मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। नाउ सी अप्लाई मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर। अप्लाइंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वन नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स। नेक्स्ट नाउ सी इरिगेशन। इरिगेशन। नेक्स्ट वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड लास्ट वन इज अ क्रॉप मैनेजमेंट। लास्ट वन इज क्रॉप मैनेजमेंट। सो दिस कंसेप्ट डिस्कस इन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर में हमें इन कंसेप्ट के बारे में क्या है डिस्कशन कर लेना है। फर्स्ट वन इज अ क्रॉप प्लांट्स। प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। सोइंग ऑफ अ सीड्स। मेथड ऑफ सोइंग ऑफ अ सीड्स। अप्लाइंग मैन्यूअल एंड द फर्टिलाइजर। नेचुरल मेथड। इरीगेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द क्रॉप मैनेजमेंट। तो इन कंसेप्ट के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या हो तो डिस्कशन कर लेना है। नाउ सी लेट्स स्टार्ट। सो पीपल स्टार्टिंग चैप्टर डिस्कस अबाउट द सम की टर्म्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। लिसन सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज अ की टर्म इज एग्रीकल्चर। व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर। सो दैट आवर कंट्री इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर कंट्री बिकॉज nearby 77% peoples are mainly depending upon the farming. The main occupation of the peoples are the farming. So hamare gramin bhagon se jo maximum log aate hain unka jo occupation hai jo unka vyavsay hai wo kiske upar depend hai is mainly depending upon the farming. So farmers play very important role in the universe. Pure duniya mein kisan bhaiyon ka bahut bada role hai. Is supply the different kind of the variety of food to the peoples and the other animals and the living organism. Understand? तो किसान भाइयों के माध्यम से आज पूरे विश्व में क्या बोलते हो हर पार्ट में हर कोने में दुनिया के क्या बोलते हर फूड का क्या बोलते सप्लाई किया जाता है। सो एग्रीकल्चर इज नॉट वर्क इज अ जॉब। खेती करना एक कोई काम नहीं एक क्या एक जॉब है एक वर्क है। एग्रीकल्चर It's not a work, it's a job. It's a play very important role in the universe. दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई job है तो one is agriculture. Understand? Now see, so what is the meaning of agriculture? Agriculture का meaning क्या है? ध्यान में रखिए. Agriculture. Now see, so agriculture is not a work, it's a job. Listen now see. A branch of a science that deals with the growing of plants and raising of animals for the
human is now seen. So agriculture is the branch of a science that deals with the study of a growing of a plants and raising of a animals for human use. यानी मेरे कि ये किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है. इस ब्रांच में प्लांट्स को किस तरह से ग्रो करना है और एनिमल्स को किस तरह से संभालना है, किसके लिए, फॉर ह्यूमन यूज, फॉर ह्यूमन लाइफ. हाउ वी कल्टिवेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड एंड हाउ यू रेसिंग द एनिमल्स फॉर आवर ह्यूमन लाइफ, लाइक कौ, बफेलो, गोट, ऑक्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स जो रहते हैं उनको किस तरह से संभालना है और उनसे हमें क्या फायदा है, इसको हमें क्या कहना हो, तो इट इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर. इट द ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेसिंग ऑफ एनिमल्स एंड द एनिमल्स फॉर द ह्यूमन यूज. लिसन, राइट ऑन, द ब्रांच ऑफ अ साइंस the branch of science that deals with growing of plants, and raising of animals for human use. Then we the branch of science that deals with the growing of plants and raising of animals for the human use is called as the agriculture. Let's now see crop. So what is the meaning of a crop? Crop ka kya meaning hai? Dhyan mein rakhiye. Plants of a same kind. Now see. Plant of a same kind that grown and cultivated in a field on large scale. Now see, so plant of a same kind, एक ही प्रकार के plant चाहो तो उनको क्या है, large scale में क्या करना, grow करना, cultivate करना in a field is called as the crop. Like the example of a soybean crop, आपका जो उड़ीद है, मूंग, green gram, black gram है, understand? So is called as a crop. So plant of a same kind that grown and cultivated in a field on a large scale is called as the crop. Now next one, see produce. What is the meaning of a producer? Produce ka meaning kya hota hai, dhyan mein rakhiye. The product obtained from a crop. Now see, the product obtained from the crop is called as the producer. The product obtained from a crop. ध्यान में रखिए, the product obtained from a crop, जो हमें क्रॉप से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हमें क्या कहना है, प्रोडक्ट कहना है. नेक्स्ट वन सी रबी क्रॉप्स. तो फर्स्ट वन सी था खरीफ क्रॉप के बाद ही क्या है, रबी क्रॉप्स आते हैं. खरीफ क्रॉप्स का मीनिंग क्या है, तो क्रॉप्स दैट आर ग्रो इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर एंड द दिसंबर. जो क्रॉप जून और जुलाई में क्या उनको क्या बोलते हो, ग्रो किया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में क्या उनको निकाला जाता है, वैसे क्रॉप्स को हमें क्या कहना है, खरीफ क्रॉप्स करना है. टेक अ सिंपल एग्जांपल, सर रेड ग्राम एंड द ब्लैक ग्राम. आपका जो ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, सोयाबीन है, आर दी खरीफ क्रॉप्स. नाउ सी द क्रॉप्स दैट ग्रोन that grown in that grown in July
एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड में उसको निकालना, हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर, ध्यान में रखिए, द क्रॉप्स दैट ग्रो इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, जो क्रॉप जून और जुलाई में क्या उनको ग्रो किया जाता है, सोइंग उनको सीड्स को सोइंग किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उनको क्या बोलते निकाला जाता है, वैसे क्रॉप्स को हमें क्या कहना है, खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट नाउ सी रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। नाउ सी द क्रॉप्स दैट ग्रो इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, जो क्रॉप अक्टूबर नवंबर में ग्रो किए जाते हैं और क्या है मार्च और अप्रैल में क्या होता है हार्वेस्ट किए जाते हैं, उसको हमें कहना है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन दैट ग्रो इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, जो क्रॉप अक्टूबर नवंबर में ग्रो किए जाते हैं और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं, उस क्रॉप्स को हमें क्या कहना है तो रबी क्रॉप्स कहना है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है हमें जान लेना है। नेक्स्ट वन नाउ सी फॉर द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स एंड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। नाउ सी सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर that deals with the production of a different kinds of the vegetables, fruits and the flowers. जो हम इसकी खेती करते हैं, वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करते हैं और फ्लावर्स की खेती करते हैं, उसको हमें क्या कहना है तो हॉर्टिकल्चर। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, the branch of agriculture that deals with the production of vegetables vegetables, fruits, flowers, and ornamental plants. Now see, the branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and the ornamental plants is called as the horticulture. Horticulture एक agriculture की branch, इसमें क्या होता है vegetable का किस तरह से production करना है, fruits का production कैसे करना है, ornamental plants का production कैसे करना है, इसके बारे में क्या होता है discuss किया जाता है। Next see plugging, plugging में से जो नांगर हम खेत में मारते हैं उसको हमें क्या कहना है plugging, and tilling. Plugging and Now see, the process of loosening and turning of the soil. Soil को क्या करना है, लूज करना है, उसको टर्न करना है, पलटी करना है
उसको हमें क्या बोलते बोले तो प्लकिंग या टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, टर्निंग ऑफ द सॉइल. नाउ सी द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज अ प्लगिंग टिलिंग. मीन्स नांगर मारना, जो किसान लोग अपने किसान जो भाई है वो क्या जो खेत में जो नांगर मारते हैं उसको हमें क्या कहना है, प्लगिंग कहना है. तो उस प्लग के माध्यम से क्या है, सॉइल को क्या लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है. मीन्स नाउ सी लेवलिंग, लेवलिंग मीन्स नाउ सी लेवलिंग, द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द सॉइल लेवलिंग द सॉइल फॉर सोइंग फॉर सोइंग ऑफ सीड्स एंड इरिगेशन Now see, so before sowing the seeds, leveling the soil for the irrigation. ध्यान में रखो. तो बीज को जो सीड्स को क्या है सो करने से पहले, सोइंग करने से पहले उसको क्या है लेवलिंग किया जाता है. अंडरस्टैंड, उसको हमें क्या कहना है लेवलिंग, द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द सॉइल. जो सॉइल को लेवल करने की जो प्रोसेस है उसको हमें क्या कहना है बोलो, लेवलिंग कहना है. नेक्स्ट नाउ सी सोइंग, नेक्स्ट नाउ सी सोइंग, सोइंग द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, इन द रखिए द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल. सॉइल में क्या बोलते हैं सीड्स को क्या करना, पुट करना, उनको डालना, उसको हमें क्या कहना है सोइंग कहना है. नेक्स्ट नाउ सी ब्रॉडकास्टिंग, नेक्स्ट वन इज ब्रॉडकास्टिंग, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड, बाय हैंड. सो विद द हेल्प ऑफ हैंड scattering of seeds in the field is called as the broadcasting. Understand? Is called as the broadcasting. So these are the, now see, there are number of basic terms. So next one is nitrogen fixation. अब हम उसके बाद discussion कर लेंगे. What is the meaning of nitrogen fixation? The next one, basic term, what is the meaning of नाइट्रोजन फिक्शन. तो नाइट्रोजन फिक्शन का क्या मीनिंग है यह हमें देख लेना है. सो नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्शन, Now see, the process of conservation of atmospheric nitrogen into soluble nitrogenous compound. Then mere ko. So it is the process. So in this process, the conversion of atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound. So only that nearby 78% of nitrogen that is present in the atmosphere. हमारे atmosphere में nearby क्या होता है 78% क्या है nitrogen present रहता है. अंडरस्टैंड. तो उस नाइट्रोजन को क्या बोलते हो नाइट्रोजनस कंपाउंड में क्या करना है,
कन्वर्ट करना है उसको हमें क्या कहना हो तो नाइट्रोजन फिक्शन। सो इट इज द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्शन। द प्रोसेस ऑफ the process of conversion of atmospheric nitrogen into soluble nitrogenous compounds. Nitrogenous compounds. Understand? The process of conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compound is called as the nitrogen fixture. Now see, next one, what are the meaning of the manures? Manure ka meaning kya hota hai? Dhyan mein rakhiye. Manures. So what is the meaning of manures? Organic substances obtained from the decomposition of dead plants in the animals. Now see, so manure is a organic substances obtained from the dead plants and the animals. जो हमारा dead plants के जो parts रहते हैं, जो dead animals के जो parts रहते हैं, उनका decomposition होना with the help of different kinds of the bacteria in the soil. Soil में उनका क्या होता है? Decomposition हुआ जाता होने के बाद जो organic substance ready होता है उसको हमें कहना है manures. So organic substances organic substances obtained from the decomposition of dead plants. Dead plants and animals. Now see, manures means organic substances obtained from the decomposition of dead plants and the animals. Next, now see, what are the meaning of fertilizers? Next one is fertilizers. Nowadays, farmers are using the large amount of fertilizers for the production of soil, but it is very harmful to the soil. फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो हमारे खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही क्या है, हानिकारक है। सो यू मस्ट बी यूज द मैन्योर। अगर हम उसको ज्यादा अगर मैन्योर यूज करते सो इट्स वेरी यूजफुल। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। केमिकल सब्सटेंसेस which are rich in particular nutrients. Remember here, so chemical substances which are rich in particular nutrients is called as the fertilizer. Next one, see, weeds. Next one is weeds. So unwanted plants that grow along with the crop plants. Now see, so what is the meaning of weeds? Unwanted plants that grow along with the crop plants. जो हमारे क्रॉप्स के साथ जो एक साइड में इसको जो घास आता है उसको हमें क्या कहना है, तो weeds कहना है। So these are the basic terms related to this chapter.
okay, rest of it will be continue on the next session. So in this session we discussed introduction of our syllabus and some basic term related to this chapter. Okay, अपना ख्याल रखिए, हमेशा सतर्क और सावधान रहिए. From University Public School, our Asia. Okay, rest of it will be continue on next session.